लोगों द्वारा बड़े ही विश्वास के साथ इंश्योरेंस कंपनियों में निवेश किया जाता है, लेकिन बहुत बार जरूरत के समय ही इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा मदद नहीं की जाती। ऐसा ही एक मामला शहर में सामने आया है। फिरियादी द्वारा जानकारी मिली कि वो 2018 से HDFC कंपनी में निवेश करता था, जिसके बाद इसी दौरान उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसे पार्शियल डिसेबिलिटी हो गई। हालांकि इसके बाद जब फिरियादी ने अपना इंश्योरेंस क्लेम करना चाहा तो कंपनी ने क्लेम सैंक्शन किया, पर दूसरी पॉलिसी के क्लेम की जब बात आई तो उन्होंने टाल मटोल करना शुरू कर दिया और उसका मेंटल हरासमेंट भी किया गया, ऐसी जानकारी फिरियादी ने दी। फिरियादी ने आगे कहा कि उसे अब तक उसके क्लेम की रकम नहीं मिली है। फिरियादी ने इस मामले में शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। इस संदर्भ में फिरियादी ने अधिक जानकारी साझा की। मैडम, मेरा नाम सागर सुभाष उसवाल है। मैं HDFC अर्गो कंपनी में गेले 2018 पासून प्रीमियम भरतो। प्रीमियम 30,386 रुपये मी दर वर्षाला भरतो। त्याच्यामध्ये की माझा पर्सनल ॲक्सिडेंट इन्शुरन्स पण होता पॉलिसी, त्यामध्ये माझा डिसेबिलिटी झाला आहे, हात कट झाला आहे, पार्शल डिसेबिलिटी म्हणतात त्याला। तर कंपनी एक वर्षापासून क्लेम देत नाही, एक वर्ष झाला वेगवेगळे हरेशमेंट करत आहे। ओल्ड हिस्ट्री विचारत आहे 2017-2018 तर ॲक्च्युली त्यांना ऑलरेडी डिक्लेरेशन दिलं होतं मी पॉलिसीमध्ये। इस बार मैंने IRDA में कंप्लीट की थी IRDA में, लेकिन उनकी तरफ से भी मुझे कुछ सपोर्ट मिला नहीं कि मेरा क्लेम जल्द से जल्द सेटल होना चाहिए मैम। और जो भी डॉक्यूमेंट है पेंडिंग, वो डॉक्यूमेंट सब कुछ मैं दे चुका हूँ उनको।